जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले और आतंकियों के एनकाउंटर की खबर आ रही है, इसी बीच मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया। आतंकवाद पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रूस और भारत दोनों ही देश इस बात को समझते हैं कि आतंकवाद का दंश कैसा होता है। कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इससे पहले भी हाल के वक्त में घाटी में कई आतंकी घटनाएं हुई। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि हाल ही में रूस ने भी आतंक का दंश झेला है और वो हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करते हैं। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आकर आतंकवादी घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी। 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। इलाके में आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, और किस तरह से आपको बता दें, आपसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, रियासी से लेकर कठुआ से लेकर डोडा, ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकी लगातार सेना पर हमला कर रहे थे। लेकिन अब इलाके में आतंकियों की तलाश जारी है, सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और डोडा में एनकाउंटर, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना लगातार उन आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। कठुआ में आतंकियों की कायराना हरकत का हिसाब बराबर करने के लिए भारतीय सेना लगातार उन आतंकियों की तलाश कर रही है जिनके हमले में 5 जवान शहीद हो गए। माना जा रहा है कि कठुआ हमले के पीछे 3 से 4 विदेशी आतंकी हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि बासनगढ़ गोलीबारी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी कर रही है। कठुआ जिले के किंडली और लोहाई मल्हार इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ग्राउंड टीम डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर्स के सहारे आतंकियों को खोज रही है। शहीदों के पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां से उनके परिवार वालों को सौंप दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों के पार्थिव शरीर को देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। कठुआ जिले में 1 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। बीते महीने 12-13 तारीख को इसी तरह की एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और CRPF का एक जवान शहीद हो गया था। Z News.